गुड मॉर्निंग क्लास. सो टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम विस्टास, इन विच वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स अबाउट दिस चैप्टर. एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट दिस चैप्टर इज टोटली अबाउट द इकोसिस्टम एंड इकोस्फीयर्स एंड ऑल लाइक दैट, अबाउट द एटमोसफियर टू. सो बेसिकली इन विच इन दिस चैप्टर इट इज़ रिटन बाय तुषानी दोषी. वी आर ऑन द पेज नंबर 22. ओपन द बुक. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ बाय विस्टास. Chapter number 3, Journey to the End of the Earth by Tushani Doshi. Open the book first of all. So we will discuss today walk on the ocean topic. Walk on the ocean ka kya meaning hai? My Antarctic experience was full of such epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic Circle in the 65.55 degree south. मतलब कहा ये जा रहा है एंटार्क्टिका का उनका जो एक्सपीरियंस था तुषानी दोषी का वो बहुत अच्छा था, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था उनके लिए. और कहा ये जा रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट थी उनको वो एंटार्क्टिका सर्कल पे, विच वॉज ऑन 65.55 degree. Okay. The Shokat Sky had managed to wedge herself into the thick white sketch stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. The captain decided we were going to turn around and head back north. But before we did, we were all instructed so to climb down the gangplank and walk on the ocean. मतलब कह सकते हैं कि आगे का जो माहौल था वो काफ़ी ज़्यादा थिक वाइट शीट्स थी जो कि खुद में बहुत ही ज़्यादा ये शो कर रही थी कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस हो सकती थी, वहाँ जाना ख़तरे से खाली नहीं हो सकता था. सो बिकॉज ऑफ दैट थिंग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो लोग आगे फर्दर जाने के लिए रेडी नहीं थे. उनके कैप्टन ने ये डिसाइड किया कि वो टर्न हो जाएंगे और वो नॉर्थ के साइड पे जाएंगे, लेकिन जब तक वो जाते ये सब इंस्ट्रक्ट किया गया था कि सब गैंग प्लैक पे चढ़ने की कोशिश करेंगे और वो ओशंस पे चलने की कोशिश करेंगे. सो देयर वर ऑल 52 ऑफ अस किटेड आउट इन द गोर-टेक्स एंड ग्लेयर्स, walking on a shark witness that seemed to spread out forever. Underneath our feet was a meter thick ice pack and underneath that 180 meters of living breathing salt water. मतलब कह सकते हैं कि उनकी टीम में ऑलमोस्ट 52 पीपल थे. देर वर ऑलमोस्ट 52 पर्सन इन टू देयर टीम इन टू देयर प्रोग्राम. और ये कहा जा रहा है कि उन सारे 52 लोगों को सेफ एंड सिक्योर करना, सब एक दूसरे के साथ बंध के चल रहे थे ताकि किसी को किसी तरीके का हार्म ना पहुँचे, कोई हर्ट ना हो, और इस तरीके से वो लोग आगे बढ़ रहे थे. और ये कहा गया कि जब वो लोग अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे थे तो उनके पैरों के नीचे काफ़ी मोटा सा आइस पैक था. मतलब एक आइस की बहुत मोटी परत थी और ये कहा जा रहा है कि उसके नीचे न जाने कितने सारे एनिमल्स रहते थे, लिविंग एनिमल्स रहते थे, सांस लेते थे, और न जाने कितना सारा वहाँ पे सॉल्ट वाटर था. इन द पेरिफेरी कैरेबियन सीज वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्फ ऑन द आइस फ्लोस मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ बनियन ट्री. मतलब कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे जो सील्स होती हैं, सील इज़ लाइक एन एनिमल, और जो सील्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली जो सील्स होते हैं वो स्ट्रेचिंग करते हैं लाइक द डॉग, जो हमारे स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो स्ट्रेचिंग करते हैं पेड़ों के नीचे बैठ के, कहीं पर भी बैठ के. तो उसी तरीके से जो सील्स हैं वो भी क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं अपने बॉडी की, और साथ ही साथ वो बहुत ही फ्रीली क्या करते हैं, सन के रेस को ग्रेप करने की कोशिश करते हैं आगे.
इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिवलेशन, एवरी थिंग डज इंडीड कनेक्ट. सीधी सी बात है, हमने ये कई बार डिस्कस किया है कि आपके लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं आपके आसपास, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. चाहे वो मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, आप मुझसे कनेक्टेड हो, या फिर हमारा पढ़ाने का तरीका, या फिर एक स्कूल, या कम्युनिकेशन, सोसाइटी, वी ऑल आर कनेक्टेड टुगेदर बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग. सो बेसिकली कहा ये जा रहा है कि हम चाहे ह्यूमन बींग हो या फिर कोई एनिमल या कोई सब्सटेंस हो, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. क्यों? क्योंकि हमें सामने वाले की ज़रूरत है और सामने वाले को हमारी ज़रूरत है. सो दैट वॉज द थिंग विच आई एम टेलिंग यू कि हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है. जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि सील्स क्या करती हैं, सील्स अपने आप को हील करती हैं, हीट अप देती हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और सनलाइट क्या करते हैं, उनके लिए एक अच्छा सा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करते हैं. तो अब मेरा तो ये थॉट आज तक मुझे नहीं समझ में आया कि अगर हर एक एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो सन को क्या बेनिफिट मिलता है हमसे. अगर आप लोगों को कोई आइडिया है तो उस चीज़ को लिख के रखिएगा. लेकिन अगर हर एक कॉम्पोनेंट का अपना अपना एक वैल्यू है, जस्ट इमेजिन प्लांट्स को हमारी ज़रूरत है और हमें प्लांट्स की, इक्वली बैलेंस है ये चीज़. तो उसी तरीके से जो सन हमें सनलाइट देती है, जो हमें वाइटमिन्स देती है, हमें एक कह सकते हैं एक अच्छा सा इन्वायरमेंट क्लियरफाई करती है, तो उसे हमें हमसे क्या मिलता है. तो आई एम सर्चिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो इट इज़ योर होमवर्क टू कह सकते हैं इट इज़ योर होमवर्क टू डिस्कवर द आंसर्स. सो नाउ 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज एंड मैनी इकोफियर्स लेट आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द बैलेंस इन द प्ले ऑफ आवर प्लैनेट. मतलब कह सकते हैं वो 9 टाइम्स के जोन्स के आगे गए. मतलब ऐसा होता है ना, जैसे लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स हम लोग पढ़ते हैं, तो हर एक जो इमेजिनरी लाइन्स हम जो पढ़ते हैं उसकी टाइम लाइन्स चेंज होती रहती हैं, है ना. तो ये बताया जा रहा है कि जो चेक पॉइंट्स थे, 6 चेक पॉइंट्स थे, उन्होंने 3 वाटर बॉडीज बदली थी और बहुत सारा मौसम उनको देखने को चेंजेस मिले थे. आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द बैलेंस इन द प्ले ऑफ आवर प्लैनेट. मतलब हमारा जो प्लैनेट है उसकी जो खूबसूरती है वो इतनी ज़्यादा संतुलित है, इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती है खुद में. हाउ वुड इट बी इफ एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वॉर्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी. मतलब तब क्या होगा जब एंटार्क्टिका पहले जैसा हो जाएगा, जैसे पहले वो गर्म जगह थी, अगर वो पहले जैसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा. विल बी अराउंड टू सी इट और वी हैव टू गोन अवे टू अवे गोन द वे ऑफ डायनासोर मैमल्स एंड वूली राइनोस. हुड टू से बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that lot can happen in a million year, but what's the difference on may day week. मतलब यहाँ पे इनका ये कहना था कि एंटार्क्टिका अगर एक गर्म जगह हो जाती है तो क्या ऐसा ही होगा जैसे कि डायनासोर मैमल्स राइनोस वूली राइनोस गायब हुए थे. क्या हम भी उस तरीके से गायब हो जाएंगे? खैर इसके बारे में कौन ही बता सकता है. लेकिन कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 2 हफ्तों तक उस जगह पर बिताने पे, उस बच्चों के साथ बिताने पे, ये तो पता लगा कि वो बच्चे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा सोचेंगे. जो बंच ऑफ टीनेजर्स थे वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम के लिए सेव वर्ल्ड को सेव करने का ज़रूर कोशिश करेंगे. और इनका ये कहना था कि बिल्कुल मिलियंस ऑफ ईयर्स पे बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, पर मैटर ये करता है कि हम लोग एक दिन में कितना डिफरेंस क्रिएट करते हैं. हर कुछ सालों में डिफरेंसेस तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, दैट इज़ ऑब्वियस. बट फिर भी हम उसके लिए क्या करते हैं, उन चेंजेस को ना खोलने के लिए हमने क्या करना है एक दिन के अंदर, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो द बेसिक डिफरेंस इन दीज थिंग्स आर टू डू सम सॉलिड एक्टिविटी. हमें एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा, एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी लेनी होगी. और कहीं ना कहीं अगर हम चाहते हैं कि हमारे इकोस्फीयर में, हमारे बायोस्फीयर में कहीं ना कहीं क्या है
सिंपली अगर सारे सिचुएशन ओके हो जाए और हम लोग हेल्दी हो जाए, हमारा अर्थ प्रोटेक्टेड रहे, तो उसके लिए क्या है, हमें बहुत ज्यादा एफर्ट मेहनत करनी पड़ेगी, और नॉट जस्ट अस, हम सबको मिलके उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. ऑल ऑफ अस शुड हैव टू डू वेरी वेरी मच हार्ड वर्क एंड टू प्रिवेंट फॉर टू प्रिवेंट आवर इंडिया, टू प्रिवेंट आवर वर्ल्ड, टू प्रिवेंट आवर कंट्रीज, एंड इट इज़ द मेजर थिंग विच वी शुड डू. एंड बिकॉज ऑफ तुषानी दोषी, वी हैव डिस्कस दैट दिस चैप्टर टोल्ड अस अबाउट द ब्यूटी ऑफ आवर प्लानट, अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इकोस्फियर. तो तुषानी दोषी की हेल्प से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन में हम लोगों को पता लगी. जस्ट लाइक कि तुषानी दोषी इज द लेडी हु टोल्ड अस अबाउट द एटमोसफेयर, अबाउट द चेंजिंग इन एटमोसफेयर, एंड वी हैव डिस्कस्ड इट लाइक इट इज इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, राइट? क्यों? क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. टू सेव द अर्थ, टू प्रिवेंट द अर्थ फ्रॉम ऑल द वाइटल एक्टिविटीज लाइक ओजोन डिप्लेशन एंड अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज लाइक दैट. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेगमेंट टू द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू क्लास.